आपको याद होगा कि पिछले अदवार में ये नशिस्त सियासी मुखालफीन के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, यहीं एक वो प्रोजेक्टर मेरा ख्याल है पीआईडी ने पक्का पक्का ले लिया था, जिसके ऊपर कभी दायरा इधर से उधर जा रहा है, लाइनें इधर से उधर आ रही हैं, पगड़ियां उछालने के लिए नशिस्त इस्तेमाल हुई, लोगों की तजहीक करने के लिए इस्तेमाल हुई, लोगों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल हुई, और जो लोग इन नशिस्तों को इस्तेमाल करके दूसरों को पे इल्ज़ाम लगाते रहे, वही आज उनके अच्छे होने की और उनकी सच्चाई की गवाहियाँ दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और इससे हम सबको सबक सीखना चाहिए। आपने देखा कि इस हकूमत को गालिबन 44 माह, जो इमरान खान साहब के 4 साल की हकूमत थी, उसके 44 माह बनते हैं टोटल जब वो मुल्क पे मुसल्लत रहे, और ये हकूमत कोलिशन गवर्नमेंट 14 माह पर मुहीत, जो अभी 15वां मंथ ये मुकम्मल होगा, और इंशाल्लाह हम आइनी मुद्दत मुकम्मल होने तक ये केयर टेकर सेटअप को, जो आइन की रूह है, और उसमें इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह। तो ये जो 44 माह का गन था, ना अहली थी, ना लायकी थी, चोरी थी, करप्शन थी, माशी तबाही थी, बेरोज़गारी थी, महंगाई थी, और लास्ट नेल इन कॉफिन जो था वो मार्च 2022 में अपना किया हुआ सख्त शराइत का आईएमएफ प्रोग्राम पेट्रोल की कीमत कम करके वायलेट किया गया, उसको सस्पेंड किया गया, और आईएमएफ का प्रोग्राम वायलेट और सस्पेंड करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट के धाने पर छोड़ के गए, सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रहा है, और अपनी कुर्सी जाते देखकर मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी करके चले गए। और जब मैं ये कह रही हूँ कि मुल्क को माशी डिफ़ॉल्ट की तरफ और धाने की तरफ छोड़ के गए, तो मेरा उससे क्या मतलब है? मेरा उससे मतलब ये है कि मुल्क, श्रीलंका की मिसाल आपने देखी होगी, जो अभी माजी करीब में डिफ़ॉल्ट हुआ है, और उसकी जो उस वक्त आम आदमी को नहीं पता, जब हम कहते हैं कि श्रीलंका बनने जा रहा था पाकिस्तान, के श्रीलंका में क्या हो रहा था? श्रीलंका में 5-5 दिन गाड़ियां कतारों में खड़ी होती थी 5 लीटर से 10 लीटर पेट्रोल लेने के लिए। 3-3 4-4 दिन लोग कतारों में खड़े होते थे, ख्वातीन खड़े होते थे गैस के सिलेंडर और गैस लेने के लिए। दवाइयां ख़त्म हो चुकी थी, दुनिया के साथ माशी ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, मुल्क के अंदर खुराक का बुरहान, माशी बुरहान, मैंने जैसे पहले बताया माली ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे, पेट्रोल मिल नहीं रही था, गैस मिल नहीं रही थी, दवाइयां मिल नहीं रही थी, और इसी तरह खाने पीने की अशिया का बुरहान। ये था डिफ़ॉल्ट श्रीलंका का। और जो पिछली हुकूमत थी वो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म के तहत मुल्क को इस धाने पे छोड़ कर गई थी। पेट्रोल की प्राइस सिर्फ इसलिए कम की, अपना आईएमएफ का प्रोग्राम था, पता था कि इसके बाद मुल्क के साथ क्या होगा, और अपने सियासी मुखालफीन को, जो आइनी तरीके से मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हकूमत में आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, उनके साथ दुश्मनी में आवाम दुश्मनी करके चले गए। और जिस वक़्त हमें ये मुल्क मिला, तो मुल्क के अंदर मईशत तबाह, रोज़गार तबाह, 4 साल की नालायकी ना अहली के वजह से महंगाई अरूजों पर, मुल्क के अंदर ना ईंधन, ना ईंधन लेने के पैसे, और ना कारखाने चल रहे थे। मुल्क की माशी सूरत हाल मैंने आपको पहले बता दी, और जिस वक्त ये मुल्क हमें जिस वक्त दिया तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, लेकिन जब हमने इनको मुल्क 2018 में दिया था तो 6.2% की तरक्की करता नवाज शरीफ का पाकिस्तान, जो सस्ता तरीन मुल्क था, तरक्की याफ्ता करता मुल्क था, मुल्क के अंदर रोज़गार था, मुल्क के अंदर सीपैक था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर, जो ये नालायक कहते थे कि इतनी ज़्यादा बिजली बना दी है जिसकी डिमांड ही नहीं थी, ये गुफ्तगू होती थी। तो 2018 में जो पाकिस्तान इनको देकर गए थे, उसका 44 महीने 4 साल उसके हर शोबे को तबाह किया,
और जिस वक्त आज हमारे 14 माह मुकम्मल होने जा रहे हैं, उसकी चंद बातें उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने कौम से ख़िताब में भी की थी कि मुख्तसर तरीन मुद्दत और तारीखी मुश्किलात, डिफ़ॉल्ट करता पाकिस्तान चीनी, और अगर यही इससे आगे मैं बढ़ूं तो ये 14 माह जो हमें मिले, और अगर इमरान ख़ान साहब के 14 माह गवर्नमेंट के पहले 14 माह उसके साथ इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो मुल्क का ये हाल था कि चीनी ख़त्म, चीनी महंगी, आटा ख़त्म, आटा महंगा, गैस ख़त्म, गैस महंगी, बिजली ख़त्म, बिजली महंगी, कि ना अशिया मिलती थी। आपको याद होगा अंगूठे के ऊपर ख़वातीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंगूठे पे लाइन लगाकर 1 किलो चीनी रमज़ान में ख़रीदती थी। चीनी माफिया मुसल्लत, पेट्रोल माफिया मुसल्लत, फर्नेस ऑयल माफिया मुसल्लत, गैस माफिया मुसल्लत। तारीखी मौका, तारीखी मौका था गैस ख़रीदने का कोविड में, जब $3 पर LNG मिल रही थी उस वक़्त, क्योंकि फर्नेस ऑयल माफिया मुसल्लत था तो वो LNG नहीं ख़रीदी। ये पहले 14 माह का तकाबली जायज़ा, जो अगर सिर्फ इन 14 माह से, और वो 14 माह 2018 के बाद वाले 14 माह थे जिस वक़्त मुल्क के जो इशारिये हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये 14 माह के इशारिये बिल्कुल मुख्तलिफ थे, महंगाई अरूजों पर IMF का प्रोग्राम वायलेटेड, सस्पेंडेड, मुल्क के अंदर CPEC बंद, मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह, कोई दोस्त राजी नहीं, सब गैर मुल्की दोस्तों को, अपने हमारे भाई मुमालिक को, सबको नाराज किया हुआ था। और इसके साथ साथ इन 14 माह में मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, वायलेटेड प्रोग्राम, सस्पेंडेड प्रोग्राम, मुल्क की क्रेडिबिलिटी सिफर पे, क्योंकि IMF का प्रोग्राम अगर इस मुल्क की तारीख ने किसी ने लेकर मुकम्मल किया है तो वो 2016 में नवाज शरीफ ने किया था। अपना ही IMF प्रोग्राम साइन करके रिवर्स करना क्रिमिनल होता है, और ये आम आदमी को बात समझनी पड़ेगी कि इस IMF के प्रोग्राम को वायलेट करके, सस्पेंड करके, इसको रिवर्स करके अपनी ही शराइत को फौरन एक महंगाई का तूफान बरपा हुआ। आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया अपनी सियासत को बचाने के लिए, लेकिन उस IMF के सस्पेंडेड प्रोग्राम ने, वायलेटेड प्रोग्राम ने मुल्क के अंदर हर चीज़ महंगी कर दी। डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की पैरिटी, उसके बाद मुल्क के अंदर तमाम अशिया, ये पूरा पैरेलल काम चलता रहा। हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया, इंतशार को और तखरीब को और नफ़रत को तामीर में, माशी इस्तेहकाम में और इतहाद में बदला। खारजा पॉलिसी 14 माह में वो तमाम दोस्त ममालिक जो नाराज़ थे, जो खारजा पॉलिसी तबाह शुदा थी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने उसकी बहाली की, दोस्त ममालिक के पास जाकर एतमाद बहाल किया, और उसके डायरेक्ट असरात जो हैं वो अभी IMF का जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट हुआ है आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। फिर जो सेंट्रल एशिया के साथ नवाज शरीफ साहब ने जिस खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी थी, उसकी 4 साल उसका कोई वाली वारस नहीं था, उस सारे को दोबारा से रिवाइव किया और उस सारे को दोबारा से रिवाइवल की तरफ वो लेके गया। तो अभी हमने उन ज़ख्मों पर मरहम रखी है, ज़ख़म जो है वो हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, जिसमें इस मौजूदा हुकूमत की, कोएलिशन गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क माशी इस्तेहकाम देना, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना, और उसके जो असरात हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। माशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान इंशाल्लाह आवाम को देकर जा रहे हैं, और इसी तरह डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट के धाने पर हुआ हुआ पाकिस्तान बचाकर पाकिस्तान की आवाम को अमानत देकर जा रहे हैं। इसी तरह सफारती सतह के ऊपर खारजा ताल्लुकात की बहाली, और जो सबसे बड़ी बात, ये क्या बात है कि 14 माह के अंदर हमने अगर सिर्फ़
इकोनॉमी में देखा जाए, सॉरी एनर्जी में देखा जाए, 14 माह के अंदर 3900 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया 14 माह में. 4 साल में 1 मेगावाट नहीं डाल सका. जो मंसूबा नवाज शरीफ शुरू करके गया था उसको भी बंद कर दिया. वो मंसूबे बिजली दे रहे थे और मुकम्मल हुए जो नवाज शरीफ जिसका पौधा और जिनको लगाकर इंस्टॉल करके गए थे. और हमने 14 माह में आते ही 3900 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल दी. ये 350 डैम बनाने वाले जो थे उनका काम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को डैम फूल बनाना था. जो 350 डैम में बनाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा में और वो पूरे पाकिस्तान को बिजली देगा. तो ये क्या बात है कि उन्हीं कारखानों से, बंद पड़े कारखानों से, अगर 3900 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की आवाम को इन 14 माह में मिल सकती है. और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून इतनी ज़्यादा बिजली बना गई है कि जिसकी डिमांड ही नहीं थी और पैसे ज़ाया कर गई है. और ये जो 3900 मेगावाट है इसमें 700 करोड़ हाइड्रो से, 1300 झंग ट्रिमू से, 1900 थर से, और जो पहले 1900 जो अभी बना रहा है वो पहले 600 बनाता था, अब वो 2500 बना रहा है. जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं हुई हुई थी जब हम लोग अप्रैल में आए. तो ये 3900 मेगावाट, उसके ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस 14 माह के अंदर फर्नेस ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी सिफर है. इस वक्त फर्नेस ऑयल से बनाने वाले बिजली के जो मंसूबे हैं उससे कोई बिजली बनाई नहीं जा रही, वो ज़ीरो के ऊपर है. और ये जब हमारी हुकूमत गई थी हम सिफर करके आए थे, लेकिन क्योंकि फर्नेस ऑयल लॉबी मुल्क पे मुसल्लत थी तो वो प्रोजेक्ट्स बंद करके फर्नेस ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया गया, जो 14 माह में मुकम्मल सिफर के ऊपर आ गई और उसको बंद कर दिया गया. फिर 10,000 मेगावाट बिजली का प्राइम मिनिस्टर का जो सोलराइजेशन का प्रोग्राम है, जिसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है. तो ये 4 साल में क्यों नहीं हुआ, ये 44 मंथ्स में क्यों नहीं हुआ, ये 14 मंथ्स में अगर सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि 4 साल में मुल्क को लूटा गया, माशी तबाही मचाई गई, सिर्फ एहतसाब का झूठा नारा लगाकर सियासी मुखालफीन को सजाए मौत में चक्की रख में डालने की तरजीह थी, इसलिए ये सारे काम नहीं हो सके जो पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्ट जिसका. और इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो चलते हुए प्रोजेक्ट बंद हुए उनकी ताखीर में, उनकी फाइनेंशियल, उनकी जो लागत है उसमें इजाफा, ये मुजरमाना गफलत. उसके बाद जो पेट्रोलियम है, रूस का दौरा हुआ, दौरे का एलानिया आया, एलानिया के बाद एक और एलानिया आया, उसकी प्रेस रिलीज आई, रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं, कहते हैं रूसी तेल हम लाए थे. उसके बाद जितनी प्रेस रिलीज आई, कोई फॉरेन ऑफिस में, कोई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी किस्म की कम्युनिकेशन रशियन ऑयल के ऊपर मौजूद ही नहीं थी. उसको हम आए, हमने उस पर बात शुरू की और अल्लाह ताला के फजलो करम से रशिया से आज सस्ता तेल आ रहा है, आज़रबाइजान से सस्ती गैस का मुआहदा हो चुका है. उसके बाद जिस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, हम आए थे तो ना ईंधन था, ना ईंधन देने के पैसे थे, ना हमारे पास किसी किस्म का कोई हालात ऐसे थे कि हम इनके कारखानों को ईंधन के पैसे देकर चला सकें, कारखाने बंद थे. आज अल्हम्दुलिल्लाह कारखाने चल रहे हैं, ईंधन की पेमेंट्स हो चुकी हैं, प्रोक्योरमेंट्स हो चुकी हैं और इन्होंने सस्ते तेल पर सियासत की, इन्होंने फर्नेस ऑयल के माफिया को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने वो सस्ती एलएनजी नहीं खरीदी कोविड के दिनों में जिस वक्त वो टैरिफ आया था. आज़रबाइजान से सस्ती गैस जब ली उसके ऊपर सियासत की कि तो ये मौदा है, ये मौदा ख़राब है मुल्क. उसमें जिस वक्त आपको याद होगा कि जब हम गए थे तो इन्होंने एलएनजी के मौदों को कॉन्ट्रोवर्शल किया, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को जेलों में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि आवाम से झूठ बोलकर इल्ज़ाम लगाकर मुल्क को नुकसान पहुँचे, आवाम को नुकसान पहुँचे. फिर अमीर और गरीब के गैस के टैरिफ में मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा फ़र्क डाला गया, जो बिजली के बिल हैं और जो टैरिफ है पर यूनिट, ताकि जो बोझ है वो. और फिर रेकोडिक जिसका $10 बिलियन जो था उसका नुकसान होना था और एक तलवार लटक रही थी,
उसको सेटल किया, यही 14 माह की मुख्तसर अरसे में। उसके बाद आपने देखा सैलाब आया, सैलाब के अंदर वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी, बलूचिस्तान में हुकूमत, एजेके में हुकूमत, जीबी में हुकूमत। वफाक ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 अरब रुपया दिया वफाक ने कि जाओ सूबों में ख़र्च करो, जहाँ जो फ्लड स्ट्रिकन विक्टिम्स हैं उनके ऊपर ख़र्च किया जाए। वो कहते हैं ना कि मुझे क्या है, ये कोविड के दिनों में कोविड की मीटिंग से उठकर चला जाता था जिसमें सिंध का सीएम बैठता था, जिसमें ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब बैठते थे, इमरान खान साहब, मैं खुद उन मीटिंग्स में थी, उन मीटिंग से उठकर चले जाते थे, क्योंकि अपनी अना और अपना तकब्बुर मुल्क के मसाइल से बुलंद था। और जिस वक्त सैलाब आया, एक तहाई मुल्क का हिस्सा जो था वो ज़ेरे आब आ गया, 11 लाख एकड़ खड़ी फसल तबाह हो गई, 11 लाख माल मवेशी मर गए, 80 लाख लोग बेघर हो गए, 1600 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। और वो 1600 इसलिए थी क्योंकि बर वक्त इंतज़ामात NDMA के, PDMA के जो सूबाई हुकूमतें थीं, शहबाज शरीफ साहब उसको रोज़ाना की बुनियाद पर उसको मॉनिटर करते थे, NDMA की सतह पर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मौजूद था, ना सिर्फ पैसे दिए बल्कि वो पैसा कहाँ पहुँच रहा है और किस तरह सैलाब मैनेज हो रहा है, सैलाब के विक्टम्स मैनेज हो रहे हैं, चाहे वो रिलीफ हो, चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे वो रिहैब हो या चाहे वो रिकन्स्ट्रक्शन हो, तमाम के ऊपर वफाक ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के चप्पे चप्पे में वो खुद गया, खुद वज़ीर आज़म सैलाब के मुतासरीन के साथ खड़ा हुआ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो वफाक हो, चाहे वो AJK के अंदर वो इलाके हों, चाहे वो कश्मीर के अंदर इलाके हों, चाहे वो साउथ पंजाब के अंदर इलाके हों, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर इलाके हों, हर जगह के ऊपर खुद चल के गए सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों को रिलीफ, रेस्क्यू, रिहैब और रिकन्स्ट्रक्शन जो उनका विजन था उसके मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही है। 70 अरब का BISP डायरेक्ट कैश लोगों के हाथ में दिया कि किसी किस्म की इस मुश्किल वक्त में मोहताजी ना आए, BISP के ज़रिए, ना किसी किस्म का लोन मांगा, ना किसी किस्म की दुहाई दी, ना किसी किस्म का काम मर गए हैं, ना किसी किस्म से बाहर की लोगों से मदद मांगी, खुद मैनेज किया इन मुश्किल हालात में। जिस वक्त IMF की तलवार लटकी हुई थी, मुश्किल फैसले हो रहे थे, तो सैलाब को मुकम्मल तौर पर आज 100 घर टांक में खड़े हैं, सैलाब मुतासरीन के लोग उनमें रह रहे हैं, टूटे हुए स्कूल बन चुके हैं, रिकन्स्ट्रक्ट हो चुके हैं और अभी भी तामीर की रिकन्स्ट्रक्शन का जो फेज़ है वो जारी है। और फिर मुल्क के बाहर आवाज़ उठाई, खाली ये नहीं कहा कि मुल्क बड़ा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो बाकी दुनिया है उसके असरात मुल्क पर पड़ रहे, ये नहीं कहा खाली, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो जिनीवा कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो इजिप्ट की कॉन्फ्रेंस हो क्लाइमेट फंड की, हर जगह पे अपने मुल्क की आवाज़ उठाकर क्लाइमेट फाइनेंस फंड को इंश्योर किया। और फिर जिनीवा में $10 बिलियन की जो कमिटमेंट्स थी उनकी अश्योरिटी ली, खुद उसको लीड किया। इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भरपूर साथ दिया, जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर थी दिन रात काम हुआ, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर लोगों को पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के अंदर इन मुश्किलात का बताने के लिए दिन रात काम हुआ, हमने दुहाइयाँ नहीं दी, हमने रोने पीटने नहीं डाले। और उसके बाद क्योंकि वज़ीर आज़म दिल में दुख रखता था, दर्द रखता था आवाम का, उनको पता था कि ये सैलाब की वजह से किसान मुतासिर हुआ है, उसकी फसल मुतासिर होगी, फूड सिक्योरिटी मुतासिर होगी, फौरन 1800 बिलियन और अब वो 2000 का हो गया, अब वो 20,000 अरब का से किसान पैकेज हो गया है, उस वक्त दिया।
जिसमें खाद है, जिसमें मशीनरी है, ज़रई आलात हैं, बिजली का टैरिफ है, यूथ बिजनेस लोन है, ट्यूबवेल्स के ऊपर सब्सिडी, मतलब अक्रॉस द बोर्ड किसान को, ताकि ये नुकसान और उसके नतायज में उसको उस सैलाब को टर्न अराउंड करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट की किसान के लिए, और बम्पर क्रॉप पाकिस्तान ने इस साल देखी जो कि 2,75,00,000 मेट्रिक टन है। ये ऐसे नहीं हो गया, इसमें मेहनत होती है, इसमें विजन होता है, इसमें सलाहियत होनी चाहिए, इसमें नीयत होनी चाहिए, इसमें फार साइटेडनेस होनी चाहिए कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है सैलाब की वजह से। और उसके बाद आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस्लामाबाद को ले लें, सिर्फ इस्लामाबाद को 20 बिलियन का इस्लामाबाद का रूरल डेवलपमेंट पैकेज दिया है मुल्क की, इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफ़ा शहरी और देहाई इलाकों में तरक्की की जो फ़र्क है उसको मसावी कर दिया है, उसको इक्वल कर दिया है, जिसमें बेतहाशा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर के, स्कूल्स के, पार्क्स के, मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये 20 बिलियन का जो प्राइम मिनिस्टर का रूरल पैकेज है इस्लामाबाद के लिए, ये क्यों नहीं 4 साल में आ सका, सोचता तो होगा कोई। और फिर 2018 में जो स्कैफोल्डिंग्स लगी हुई थी ना, 2018 में जो स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी मेट्रो की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एक ख्वाब था कि जो मेट्रो जहां ख़त्म की है वो मेट्रो एयरपोर्ट तक जानी चाहिए, वो स्कैफोल्डिंग जहां लगी हुई थी 2022 अप्रैल में आकर हमने उतारी है, शहबाज शरीफ ने उतारी है। 15 दिन के अंदर वो बसें भी आईं, वो रूट भी बहाल हुए। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इन 14 माह में इस्लामाबाद के अंदर कोई मेट्रो का रूट ऐसा नहीं है जहाँ बस ना चलती हो। ऑरेंज बस, ब्लू बस, रेड बस, ग्रीन बस, डिफरेंट रूट्स के ऊपर, भाराकाउ से लेकर एयरपोर्ट तक, इस्लामाबाद के अंदर जितने रूट्स हैं उन सब के ऊपर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 14 माह में, और जो पहली मेट्रो चली थी वो 15 दिन में चली थी, इन तमाम रूट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम बसेस का रूट और नेटवर्क मौजूद है। इसके ऊपर मजदूर सफ़र करता है, इसके ऊपर असातिज़ा सफ़र करते हैं, इसके ऊपर स्टूडेंट सफ़र करते हैं, इसके ऊपर नौकरी पेशा लोग सफ़र करते हैं, इसके ऊपर सरकारी मुलाजमीन सफ़र करते हैं जो पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं। तो क्यों 5-5, 6-6 हज़ार रुपया देकर लोग एयरपोर्ट जाया करते थे, टैक्सी नहीं मिलती थी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती थी, बाराकाऊ में लोग उतरते थे, बाराकाऊ से बसों में बैठकर वो इस्लामाबाद आते थे, आज बाइज्जत सफारी में, एयर कंडीशन सवारी में आज वो इस्लामाबाद आते हैं। इस्लामाबाद का कोई सेक्टर ऐसा नहीं जहाँ मास ट्रांजिट नेटवर्क मौजूद ना हो किसी बस सर्विस का। तो ये क्यों नहीं हुआ 4 साल में, आज इस्लामाबाद के लोग पूछते होंगे। मतलब ये जो रावल चौक का फ्लाईओवर है मौसूफ, क्योंकि हेलीकॉप्टर में आते थे ना पीएम हाउस बनीगाला से, तो इस चौक का उनको क्या पता कि रावल डैम चौक जो है, रावल चौक कितनी उसके ऊपर ट्रैफिक की ब्लॉकेड होती थी, कितनी उस वक्त लोगों को मुश्किलात होती थी जो लोग नौकरियों के लिए, पढ़ने के लिए सफ़र करते थे। आज वो 14 माह में रावल चौक फ्लाईओवर शहबाज शरीफ ही आके क्यों मुकम्मल करता है। उसके बाद मार्गला एवेन्यू, उसके बाद इंटरचेंज जो 7th एवेन्यू का है, उसके बाद जो कैप्टन कर्नल शेर खान एवेन्यू रोड है वो मुकम्मल करके उसकी इनॉग्रेशन, और ये वो हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं। अभी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद की तारीख का, वो भाराकाऊ जो ब्रिज है, फ्लाईओवर, वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने 30 जुलाई उसकी डेट दी है। उससे मरी के लोग, जो पूरे उस रीजन के लोग हैं जो भाराकाऊ पे आकर एक मुश्किल तरीन वो सफ़र होता था, वो आज बहाल होगा। लाहौर से लोग जा रहे हैं, कराची से लोग जा रहे हैं, मरी से लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो ये क्यों नहीं हुआ 4 साल के अंदर, ये 14 माह के अंदर अगर हो सकता है उन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो मैंने आपको गिनवाई हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ, आज आवाम सवाल पूछती है। तो हो तो सकता था जो किया। और उसके बाद इसमें अलावा इस्लामाबाद में 35 नए पार्क्स का वो किया जा रहा है, और इस्लामाबाद में ओलंपिक विलेज
जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ की जो नौजवान लोग हैं, यूथ है, वो खेलों के जो चीज़ें हैं उसके अंदर अपने आप को इंगेज कर सकें। BISP का जो 2022 का बजट था वो 235 बिलियन था, उसको आते ही 2023 में जो बजट दिया उसमें उसको 404 कर दिया बिलियन, और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो 465 बिलियन के ऊपर है। जो वजीफ़ा है उसके अंदर 25% अजाफा कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो बजट है जिसका मैंने आपको पहले बताया वो 72% इंक्रीज़ है इस 14 माह के अंदर। जो BISP क्या है? BISP वो मुस्तहकीन है जो साइंटिफिक तरीके से, जो जिसको इन्होंने क्या वो नाम दिया था, जो BISP को बदल दिया था, एहसास प्रोग्राम। वो एहसास प्रोग्राम जब आकर देखा तो जो उसका हशर हुआ हुआ था BISP प्रोग्राम का, वो एक अल्लाह ताला जानता है, या वो शाजिया मरी साहिबा जानती होंगी कि उसके साथ क्या किया था। कभी कारखानों के ड्रामे, कभी लंगर खानों के ड्रामे, कभी वो पता नहीं सस्ती वो दे देंगे मील्स, और पता नहीं क्या क्या गिमिक्री उन प्रोजेक्ट्स के साथ की गई। उसके बाद उनमें सबसे उसके बाद जो BISP के ज़रिए मैंने आपको पहले कहा सैलाब में 70 बिलियन लोगों को, बेनिफिशरीज़ को दिया गया 25,000 रुपया पर फैमिली फौरी तौर पर कैश की मद में उनके हाथ में दिया, कि अगर किसी किस्म की सैलाब में उनको ज़रूरत है तो उनको हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि उनके पास वो पैसे जो इमरजेंसी होती है बहुत कम थे, लेकिन जो फौरी तौर पर रिलीफ था उसके लिए उनको ये एक साइंटिफिक तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से। उसके बाद मुझे ये बताएं, जब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब आए तो जिस वक्त पेट्रोल महंगा हुआ उस पे साथ आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दी, जिस वक्त रमज़ान आया मुश्किलात थी चीज़ें महंगी हो रही थी फौरी तौर के ऊपर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सब्सिडी दे के रमज़ान पैकेज दिया, और इतने मुश्किल हालात हो गए तो क्या किया? मुल्क की तारीख में कभी किसी, हमने सस्ता आटा सुना था लेकिन 70 बिलियन का मुफ्त आटा तकसीम किया इन्हीं मुश्किलात की वजह से, इसी बजट के अंदर से, अपने बजट के अंदर से, और उसको पूरे मुल्क तक फैलाया, मुफ्त आटे को तकसीम किया गया ताकि रिलीफ मिल सके। तो जब मुश्किल फैसले किए तो दिल में दर्द रखते थे, आज भी दर्द है कि जो 4 साल की तबाही है उसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम और मुल्क को भुगतना पड़ा, आज भी दिल में दुख है, लेकिन ये ज़रूर इत्मीनान है कि 14 माह में पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी दिया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाया, मुल्क की खारजा पॉलिसी भी ठीक की, सैलाब के साथ सैलाब विक्टम्स को मैनेज किया अपने बजट के साथ, पूरे मुल्क के अंदर किसान पैकेज दिया, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आपने देखा होगा कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि IMF का जो प्रोग्राम आया है वो ऐसे नहीं आ गया कि ये एकदम प्रोग्राम सस्पेंड हुआ और उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान की आवाम को प्रोग्राम मिल गया, नहीं, मार्च में जिस वक्त ये प्रोग्राम हुआ उसके बाद पूरी एक जर्नी है, पूरा एक सफ़र है कि उसके बाद अप्रैल में आके उसी प्रोग्राम की बहाली के लिए दोबारा बातचीत शुरू की IMF के साथ, निगोशिएशन स्टार्ट हुई IMF के साथ, और वो जो गैर अदम एतमादी थी उसको दोबारा बहाल किया IMF के साथ, और दूसरे जो खारजा पॉलिसी को बहाल करते हुए अपने दोस्त ममालिक को मुश्किलात के बारे में बताया। पेरिस के अंदर 3 मुलाकातें हुई, अभी 22 जून को पहली मुलाकात IMF के साथ हुई जहाँ उनको बताया कि ये आवाम के लिए मुश्किलात हैं, जितना उसमें चीज़ों को ठीक किया है मज़ीद ठीक कर सकते हैं इकोनॉमिक इंटरवेंशंस को। पहली मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के बाद साथ हुई, उन 3 दिनों में 3 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार, न्यूयॉर्क गए तो MD IMF को मिले, इजिप्ट गए तो MD IMF को मिले, जब शर्म अल शेख में जनीवा पे कॉल की कि हमें इतनी लोगों की वो आ चुकी हैं कि इतने पैसे हम देंगे, कमिटमेंट्स आ चुकी हैं, तो IMF प्रोग्राम के साथ बात, तो दोबारा दोस्त ममालिक के साथ गुफ्तगु शुरू की। उसके बाद 29 जुलाई को ये पूरा हफ्ता, आखिरी 10 दिन जून के रहे, उसमें पूरा हफ्ता उनके साथ बातचीत होती रही, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ दिन रात काम करते रहे, और उसके बाद जो 29 जुलाई थी उसमें स्टैंड बाय स्टाफ लेवल अग्रीमेंट की उन्होंने अनाउंसमेंट की, और उसके बाद आपको याद होगा 30 जून को प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर हाउस में ऐलान किया
कि वो स्टैंड बाय अग्रीमेंट जो आया है वह 9 माह के लिए उसके ऊपर अग्रीमेंट हो गया है, और उसके बाद उसी के बाद पहला वर्किंग डे 3 जुलाई का था, और 3 जुलाई को जिस तरह पूरे अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो चेंबर्स हो, हर अक्रॉस द बोर्ड उसका खैर मकदम किया गया, और 3 जुलाई को जो एक दिन के अंदर सबसे बड़ा जंप था ट्रेडिंग के अंदर, KSE जो 100 इंडेक्स के ऊपर 2,446 पॉइंट्स उसके अंदर इजाफा हुआ, और इसी अदवार में जो 45,000 पॉइंट्स तक वो पहुंची। तो ये वो कॉन्फिडेंस के इशारे हैं, इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर आ रहे हैं, जिनको 4 साल ये तबाह कर कर गए हैं। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये IMF का प्रोग्राम लमाए फ़खरिया नहीं है, ये लमाए फ़िक्रिया है, और इसीलिए 2013 में नवाज़ शरीफ साहब जब आए थे, IMF का प्रोग्राम जब 14 में लिया, 16 में उसको कंक्लूड करके IMF को खुदाफिज नवाज शरीफ साहब कहकर गए थे, सिर्फ इसलिए कि, और फिर CPEC आया था, और CPEC के ज़रिए माशी इस्तेहकाम आया था, रोज़गार आई थी, महंगाई ख़त्म हुई थी, 5 साल मुल्क सस्ता तरीन मुल्क था, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, बिजली के मंसूबे लगे, कारखाने चले, मईशत को इस्तेहकाम मिला, रोज़गार देकर गए थे, 14,000 मेगावाट बिजली ऐसे ही नहीं बन गई थी, वो भी 3 साल में बनी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो 2014 में धरना आ गया था इन नलायकों ना अहलो चोरों का, इंतशार फैलाने वालों का, और इन 14 माह में जहाँ मुल्क के अंदर ये तामीर हो रही थी उस तरफ वही तखरीब और इंतशार हो रहा था कि IMF का प्रोग्राम आज आने वाला हो तो वज़ीरों से ख़त लिखवा दो IMF को, वो करीब आने वाला हो तो इस्लामाबाद 25 जुलाई को लॉन्ग मार्च ले आओ, IMF करीब आने वाला हो, किसी गैर मुल्की दौरा आने वाला हो तो जमान पाक का ऑपरेशन कर दो, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिल रहा हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो तो 9 मई का वाकया कर दो। आज तक वही तखरीबकारी जारी है, आज तक वही इंतशार की जो माइंड सेट है वो जारी है। फिर बेशरम लोग ये कहते हैं कि अगर हम ना साथ देते तो IMF ना आता, मतलब इनसे पूछे कि कोई अल्लाह ताला का डर और खौफ है? IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड किया, वायलेट किया, क्रेडिबिलिटी तबाह की मुल्क की, वो कहते हैं कि अगर हम ना साथ देते, और इसलिए IMF हमें मिलने आया था, मैंने पहले भी कहा था IMF तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आया था कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, आप इसका पीछा ना करना, अब इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट के धाने पर ना छोड़ के जाना। अवाम भी मिन्नतें करती है, बिज़नेस कम्युनिटी भी मिन्नतें करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी मिन्नतें करता है, पाकिस्तान की गरीब अवाम हाथ जोड़ कर तुम्हारे से मिन्नतें करती है कि जो तखरीबकारी, जो इंतशार, जो फसाद, जो नफ़रत के बीज बोएं, जो माशी तबाही के बीज बोएं, हमारी जान छोड़ दो। और अगर ये 14 माह के अरसे में IMF प्रोग्राम आने के बाद वो माशी इस्तेहकाम आया है, उस माशी इस्तेहकाम को जो IT सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में, एक्सपोर्ट्स में और डिफेंस में, जैसे CPEC दिया था ना, और उस CPEC का डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी और आम आदमी को मिला था, इसी तरह इन सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन सेक्टर्स के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है, जो SIFC के क़याम के थ्रू आ रही है, वो यही इकोनॉमिक पाथ है जिससे IMF के प्रोग्राम को इंशाल्लाह खैरबाद कहा जाएगा। हम मुकम्मल करेंगे, एक एक शर्त के ऊपर अमल करेंगे, और इसमें पाकिस्तानी अवाम का बाइन है, क्योंकि कौन चाहेगा, कौन शख्स, कौन पाकिस्तान का शहरी चाहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, सवाए इमरान खान के और उसके हवारियों के, और कोई नहीं चाहता। अगर माशी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर होगा तो आम इंसान की, आम आदमी की जो ज़िंदगी है और उसका हाल है, उसकी बेहतरी आएगी। उसकी अगर मुल्क का माशी इस्तेहकाम आएगा तो इनफरादी माशी इस्तेहकाम आएगा। अगर मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होएगी, डेवलपमेंट एक्टिविटी होएगी तो रोज़गार आएगा। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आपके सामने है, 80 बिलियन का ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम एक तारीखी यूथ प्रोग्राम है, जिसकी बुनियाद पहले शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में रखी, नवाज शरीफ साहब ने वफाक में रखी 2013 में, जिसमें नौजवान को हुनर देकर, नौजवान को कर्ज़ा देकर, और कर्ज़ा भी इंटरेस्ट फ्री लोन, ताकि उन पे बोझ ना पड़े,
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, विमेन एम्पावरमेंट, मतलब हर शोबे, आईटी सेक्टर में पहली दफ़ा नौजवानों को किसान एग्रीकल्चर जो लोन है वो दिया जा रहा है। तमाम पाकिस्तान में जो ट्यूब वेल्स हैं उनको सोलर पर तब्दील किया जा रहा है। तो ये क्यों नहीं चार साल में हो सका? चार साल में तो दुनिया की बेहतरीन माशी टीम आई थी, चार साल के अंदर तो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर आने थे, चार साल में तो कशकोल का जो वो है भीख का कशकोल जो है वो ख़त्म होना था। तारीखी कर्जा लेकर चले गए, मुल्क को तारीखी कर्जे में डबो के चले गए। पाकिस्तान की तारीख में सारी हुकूमतों को मिला लो तो इतना कर्जा नहीं लिया जितना चार साल में लिया, क्योंकि इंटेंशन नहीं थी। चार साल में मुल्क को रिलीफ देना इंटेंशन नहीं थी, जिसमें अल्लाह ताला को हाजिर नाजिल जानकर कहती हूँ कि अगर 2018 के पाकिस्तान को सिर्फ आगे बढ़ाया जाता, उसकी मईशत को और इस्तेहकाम दिया जाता, तो आज 2022 मार्च में ये मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर ना खड़ा होता। नारे लगाए गए झूठे, सिर्फ माशी इस्तेहकाम नहीं, सियासी बदला और इंतकाम लेना था। क्योंकि जो 19 साल झूठ बोलते रहे करप्शन का, चोरी का, उसको झूठे तरीके से साबित करना था, वो भी नहीं कर सके। वो भी आज नैब कहती है कि हमसे ये नैब अदालत के जज लिखते हैं कि ये एहतसाब नहीं था, ये सियासी इंतकाम था। उस काम को भी ठीक नहीं कर सके क्योंकि कोई सबूत था ही नहीं, क्योंकि सब करप्शन हुई नहीं थी। तो 14 माह की जो तामीर है, माशी इस्तेहकाम है, ये जो नफ़रत फसाद और इंतशार का खात्मा है, और इन 14 माह में ये तो आपको मैंने डिफरेंट सेक्टर, कोई शोबा ऐसा नहीं जो बर्बाद नहीं। अब अल्लाह ताला का फजल है कि कोई शोबा ऐसा नहीं जो तरक्की की तरफ और इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, लेकिन इन 14 माह में जिस शख्स का मकसद मुल्क में इंतशार, नफरत, फसाद, साजिश करना था, उसके साथ भी डील किया। हम चाहते तो पहले दिन जेल में होते, पहले दिन जेल में डाल सकते थे, क्योंकि इसी सियासी और रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, वज़ीर आज़म की कुर्सी और मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अदारों को इस्तेमाल करते हुए, नैब के चेयरमैन को गंदी वीडियोस दिखाकर, तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद करके, सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्की में इन्होंने डाला, हम नहीं कर सकते थे? अब बड़ा आसान काम है, ये तो बहुत ही आसान काम है कि मुल्क को डुबो दो, मुल्क की मईशत तबाह कर दो, रोज़गार ख़त्म कर दो, दहशतगर्दी वापस, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग वापस, कोई शोबा ऐसा नहीं जो तनज़ली की तरफ ना हो, लेकिन ये काम करो आवाम को मैसेज देने के लिए कि मैं सच कहता था ये सब चोर है। और आज क्या है? आज ना तोशा खाना की घड़ी छोड़ी, ना 190 मिलियन पाउंड छोड़ा, ना फॉरेन फंडिंग छोड़ी, हर जगह के ऊपर करप्शन की फाइलें अटी हुई हैं। लेकिन हमने क्या किया? हम सियासी अदम इस्तेहकाम ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। हमने कानून के हवाले किया, इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया, मुल्क के अंदर एक राइज कानून के मुताबिक एक एहतसाब के अमल को दोबारा से बहाल किया, और आज जब वो बहाल हो गया तो जवाब नहीं देता। दूसरों को चोर कहने वाला, मईशत तबाह करने वाला, नौजवान का रोज़गार छीनने वाला, लोड शेडिंग वापस लाने वाला, दहशतगर्दी वापस लाने वाला, मुल्क में के अंदर महंगाई करने वाला, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वाला, आज बाल्टी, डब्बा और कनस्तर डाल के अदालत जाता है। किस मुंह से जाए अवाम में? चोरी का जवाब है नहीं तो मुंह पे बाल्टी है, मुंह पे डब्बा है, क्योंकि चोरियाँ की हैं। पहले कहता था मेरे पे सियासी इंतकाम है इसलिए मेरे पीछे लगे हुए, कभी रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है, कभी मेरे पे तोप से हमला हो रहा है, कभी मुझे कत्ल कर देगा फलाना आदमी, कभी मुझे फलाना आदमी कत्ल कर देगा। जब जाके पूछा GIT ने, भाई कौन हमला करने लगा था, कौन कत्ल करने लगा था, कैसे आपको पता है? कहता मैंने लोगों से सुना था। वो कहते हैं तोशा खाना में चोरी क्यों की? कहते मेरे MS से पूछो। वो कहते हैं 190 मिलियन का जवाब दो। वो कहते हैं काबीना से पूछो। वो मैडम से पूछते हैं वो हीरे जवाहरात आपने लूट के ले गए, तो कहती मुझे क्या पता था। तो ये 14 माह की जो मैंने आपके सामने, और मैं इस पर एक तफसीली हम रिपोर्ट छाप रहे हैं, एक तफसील से आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये एक सोच और फिक्र का मकाम है पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो चंद लोग बहकाए गए, वरगलाए गए,
जो पाकिस्तान के चंद नौजवान जिन्होंने फिर आगे कल्मिनेशन उसकी 9 मई की हुई थी, ये उनके लिए सोचने का मकाम है कि अगर 14 माह में ये तमाम चीज़ें इस तरह रीसेट हो सकती हैं, इस तरह अगर बेहतरी आ सकती है, तो फिर 44 महीने 4 साल जो बनते हैं उसमें क्या हुआ मुल्क के साथ, तो तब क्यों नहीं आ सकती थी? अगर आज 3900 मेगावाट बिजली बन सकती है तो 4 साल में क्यों नहीं बनी? अगर इस्लामाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, मैस ट्रांजिट 14 माह में स्टार्ट हो सकती है इस्लामाबाद के अंदर, तो 4 साल में क्यों नहीं? अगर खारजा पॉलिसी तबाह की 4 साल में इन लोगों ने, 14 माह में वो ठीक हुई, वो बहाल हुई, उसके असरात आज पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं वो नज़र आ रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 80 बिलियन के यूथ के लिए, चाहे वो लैपटॉप हो, स्कॉलरशिप्स हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, बिजनेस लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, अगर हम ला सकते हैं तो इन्होंने वो कामयाब नौजवान, इनका क्या कारकर्दगी थी? आते ही तमाम प्रोजेक्ट्स को कंट्रोवर्शियल कर दो, फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को के नाम तब्दील कर दो, फिर जहाँ तख्तियाँ लगनी थी उन तख्तियों को तब्दील कर दो, और सियासी मुखालफीन को सलाखों के पीछे डाल दो। इनका ख्याल था 4 साल बाद इनसे कोई नहीं पूछेगा, ओ भाई क्यों कि मुसल्लत हो गए थे, RTS बैठ गया था, तो किया क्या? आज वो इमरान प्रोजेक्ट वाले भी शर्मिंदा हैं, और जिसका प्रोजेक्ट था वो बाल्टी, डब्बा, कनस्तर और डस्टबिन की नज़र। मुख्तसर ये बात है, और उसका खमियाजा, उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम ने भुगती है। जी जवेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़ से। मैम, जैसा कि अभी 14 माह मुकम्मल हो गया, आपने बता दी, अभी तो थोड़ी शुरू की है। हाँ, अभी इंशाल्लाह बताऊंगी हर रोज। तो निगरान सेटअप के हवाले से भी कोई मुशावरा शुरू कर दी गई बाकायदा तौर पर, और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है, इस हवाले से बता दीजिए। और कुछ सियासी हल्के ये पेशगोई कर रहे हैं कि ये टाइम मुनासिब नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाए। देखिए, निगरान जो सेटअप है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट की आपने बात की, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो डिसाइड करते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं की मुशावरत के साथ इंशाल्लाह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का ऐलान किया जाएगा, आइनी जो तरीक़ाकार है और उसी के मुताबिक होगा। और इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इलेक्शन, क्योंकि हम अपनी जो आइनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए केयर टेकर के हवाले ये सेटअप करेंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वो जमातें जिन्होंने उनकी बेहतरी, उनके मुल्क की बेहतरी, जिसका डायरेक्ट रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को होता है, जो तखरीब नहीं बल्कि तामीर में बिलीव करते हैं, जो नफ़रत, फसाद, इंतशार नहीं बल्कि इतहाद और एतमाद में बिलीव करते हैं, इस मुल्क को इंतशार से इस्तेहकाम की तरफ डालकर आवाम के हवाले कर रहे हैं, और इस इस्तेहकाम से दोबारा इंशाल्लाह महंगाई में कमी, तरक्की करता मुल्क, जिस तरह 2013 में नवाज शरीफ साहब ने जिस विज़न के साथ, जिस तरह काम किया था अपनी टीम के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उसी लगन के साथ पाकिस्तान की आवाम किसे वोट लेकर दोबारा आकर इसी तरह मुल्क को तामीर करेंगे, तरक्की देंगे, नौजवान को रोज़गार जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है उसकी बुनियाद रख दी गई है, इसी तरह जो डिफरेंट शोबे मैंने आपको इकॉनमी बताया, एनर्जी बताया, पेट्रोलियम बताया, बिस बताया, सेल, जो जो विज़न है उसके मुताबिक जहाँ छोड़ के जाएँगे उसी की अगला फेज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। पेशावर में आज एक नई जमात बनी है, और उस जमात के वहाँ एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। 4 जर्नलिस्ट फील्ड रिपोर्टर थे, कैमरा मैन, उनको नामालूम अफराद अगवा कर गए। कहाँ पे? पेशावर। अच्छा, तहरीक इंसाफ को पाली कर तहरीक जमात बनी है, तो वो कवरेज के लिए आए थे, इसमें एक समा का था, एक डॉन का था, और एक 92 और एक कैमरा मैन था, उनको अगवा कर लिया गया, वहाँ बड़ी कशीदगी है, ये प्लीज देख लें। दूसरा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद के जो दही इलाका है उसको शहरों के बराबर हमने कर दिया, 20 अरब रुपये खर्च किए। अभी 5 दिन पहले इस्लामाबाद के शहरी इलाके में गटर के ढक्कन तक नहीं है, जहाँ पर एक 15 साल का नौजवान गटर में गिरा है और उसका बाप उसको बचाने के लिए गया, दोनों की मौत हो गई है। किसी ने नहीं पूछा उनके जिम्मेदारों से कि दो कीमती जाने जाने गटर के ढक्कन ना होने की। आप कह रहे हैं दही इलाकों को हमने डेवलप कर दिया,
मैंने ये नहीं कहा, पहली बात तो सनाउल्ला साहब हो गए, सवाल का जवाब ले लें। मैं बताती हूँ, पहली बात मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने कहा कि 20 बिलियन देकर इस्लामाबाद को बिल्कुल महफूज कर दिया है, अब इस्लामाबाद को डेवलप कर दिया, क्योंकि मैं ना तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हूँ, ना मेरा कोई इरादा है और ना मैं किसी झूठे को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा इस बजट में इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इस्लामाबाद को लोग समझते हैं कि बड़ा डेवलप था, जिस तरह लाहौर को और पंजाब को और साउथ पंजाब को शहबाज शरीफ साहब, जहाँ चाहे मास ट्रांज़िट हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बसेस का रूट हो, चाहे स्कूल्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे मास ट्रांज़िट के प्रोजेक्ट्स हों, बिल्कुल मुकम्मल करके तामीर करके पंजाब के लोगों को देकर आए थे। इसी तरह यहाँ एक तफरीक रहती थी हमेशा कि जो दही इलाके हैं उनको कोई बजट नहीं दिया जाता था, और एक ही बजट हेड के अंदर से दही इलाकों को भी ट्रीट किया जाता था, और जो शहरी इलाके थे इस्लामाबाद के, जो वाकया आपने बताया वो इसी वजह से हुआ कि माजी में इन चीज़ों के ऊपर फोकस, और ये एक वाकया नहीं, इस तरह के बहुत से वाकये रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। फिर जो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा पानी का मसला है, फिर इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का मसला था जिसको हल कर लिया गया, जो मुकम्मल हुए वो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया मुकम्मल हुए। जहाँ ये इस्लामाबाद के बजट की बात है वो देकर उस फ़र्क को, तरक्की को ख़त्म किया गया, और ये इसी वजह से है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मौजूद नहीं हैं, जहाँ चार साल की तबाही नज़र आती है, आपको याद होगा यहाँ के जो MNA थे PTI के, वो याद है वो तस्वीर, वो जो ट्यूबवेल का इफ्तिताह हो रहा था, मुझे आज तक वो तस्वीर नहीं भूलती, हैंड पम्प का, तो वो हैंड पम्प वाले जो चीज़ें लगी हुई थी मुल्क के अंदर, उनको भी जाते जाते या तो लपेट कर ले गए, या तोड़ कर चले गए, या उनको तबाह करके चले गए। तो यही वो विजन है कि इस तरह की चीज़। और फिर जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की बात की, मेरा ख्याल है इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले या परवेज़ खटक साहब दे सकते हैं, लेकिन मांगे तांगे की पार्टी जो होती है ना, वो समझ बैठे थे कि ये सारे मेम्बरान उनके हैं। ये मेम्बरान तो दो चुटकी की बात है, और जो सहाफ़ियों की, नहीं आपने पहले उस पार्टी की बात की, मैंने उसका जवाब दिया, जो सहाफ़ियों की बात है वो तो बहुत ही मेरे ख्याल में अनएक्सेप्टेबल है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन, मैं अभी उनकी प्रेस टॉक देख रही थी, मुझे ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं यहाँ से प्रेस टॉक से जाते ही इसके ऊपर नोटिस भी लेती हूँ, मैं इस पर देखती भी हूँ, और मैं वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, उनसे रबते में आकर मैं पता भी कराती हूँ कि ये क्या वाक़ है, क्योंकि इसके बारे में मुझे इस वक्त तक, जब मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, मुझे इल्म नहीं है, और इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ों की वो लेकर मैं आगाह भी करूँगी आपको कि ये क्या वाक़ है और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है। मरदम शुमारी का सवाल आपने उठाया, MQM के जो तहफ़ुज़ात थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसिस्टेंटली तकरीबन हर हफ्ते उनकी मुलाकात भी हो रही है, प्लानिंग मिनिस्टर के साथ हो रही है, और ये सर्वे जो हुआ है मरदम शुमारी का, उसके ऊपर उनके तहफ़ुज़ात जो थे उनके ऊपर एक कमेटी भी बनी हुई है, जिसके अंदर तमाम रिप्रेजेंटेशन उनकी भी मौजूद है, और गवर्नमेंट के भी मौजूद है, और कोलिशन पार्टनर्स की जो पार्टीज़ हैं उनकी भी मौजूद है, और इंशाल्लाह हमने ये 14 माह किसी किस्म का कोई सियासी अदम इस्तेकाम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी क़्यादत में, अपनी सोच से, और बड़े ही एक कंस्ट्रक्टेड उसके साथ, एक विजन के साथ कोई ऐसा अदम इस्तेकाम सियासी नहीं आया, बल्कि अपना सियासी जो सबसे बड़ा हरीफ था, जो दूसरी सियासी जमातों को दुश्मन समझता है, उसको साथ भी कानून के मुताबिक डील किया है। और ये जो कमेटी है, जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसकी हफ्ते बाद रिपोर्ट लेते हैं MQM से, उस कमेटी में इंशाल्लाह इस मसले का हल निकल आएगा। पहली बात, जो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं वो ख़ुद ही अपना बयान दे चुके हैं, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने आटे की तकसीम नहीं, बल्कि जो सिस्टम के अंदर करप्शन है मैंने उसकी निशानदेही की थी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी उनके बयान के बाद, कि अगर किसी किस्म की, देखें मुल्क की तारीख के अंदर कभी भी इतने कम अरसे में कि रमज़ान के अंदर अंदर 70 बिलियन का आटा पूरे मुल्क में तकसीम होना, इसकी मिसाल नहीं मिलती।
जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर कमेटी बना दी जिसमें प्रोविंसेस के भी लोग थे, एजेंसीज़ के भी लोग थे, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, पुलिस के भी थे, और जो फूड एंड सिक्योरिटी है उसके भी थे। अभी तक किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं मिला, कमेटी अभी तक अपना काम कर रही है। करप्शन की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो 2019 से 22 तक की रिपोर्ट थी, उसका हाल आपको याद होगा कि करप्शन इंडेक्स में कितने दर्जे पाकिस्तान में इजाफा हुआ था, जो एहतसाब और चोरी और करप्शन का नारा दूसरों को लगाकर इल्ज़ाम लगाते थे, उनके अपने हालात उस रिपोर्ट में मौजूद हैं। किस चीज़ की बहाली? देखें, मैंने पहले कहा ये सिंध की बात नहीं, बलूचिस्तान की बात नहीं, पंजाब की बात नहीं, जो यहाँ इलाके मुतासिर हुए थे, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में पहला जो फेज़ था वो रिलीफ और रेस्क्यू था, उसके बाद रीहैब था, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन है। रिकंस्ट्रक्शन का अमल सबसे लंबा होता है। रिलीफ और रेस्क्यू की वजह से अगर अल्लाह ताला का करम है कि उनकी बर वक्त इंतज़ाम, जिसकी शहबाज़ शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में उसने अपना रोल अदा किया, उसमें रिलीफ फौरी और रेस्क्यू की वजह से जो अमवात हैं वो 1600 पे कैप हुई, ज़्यादा अमवात नहीं हुई। ये उसी बात की निशानदेही है कि बर वक्त इंतज़ाम हुए। इसी तरह रिहैबिलिटेशन का फेज़ और टांक में जो 100 घर मौजूद हैं उसी को देखते हुए पूरे मुल्क में सैलाब मुतासरीन का जो रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ है वो जारी रहता है, और वो एक साल या कुछ चंद माह नहीं, वो 2-3 साल की मुद्दत और मुहित के ऊपर मुश्तमिल होता है। जी उस्मान खान नहीं जी, हमने तो प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली हर रोज़ की बुनियाद पर अब ये कहते हैं कि हमने 14 माह के अंदर जो हमें ज़िम्मेदारी डाली गई थी, जिसको आईनी ज़िम्मेदारी, जिसको साइफर को लहरा कर, जिसको एक जाली झूठे बयानिए में बदलने की कोशिश की गई, जो अपनी मौत खुद मर गया, हम आईनी मुद्दत के अंदर इंशाल्लाह केयरटेकर सेटअप को ये गवर्नमेंट हैंडओवर करेंगे, और उसमें दो ऑप्शंस होती हैं, एक ऑप्शन होती है 90 दिन की, एक ऑप्शन होती है 60 दिन की। अब ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है कि वो 90 दिन की ऑप्शन के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको तहलील होती है, या वो 60 डेज़ के ऊपर होती है, वो भी आवाम के सामने इंशाल्लाह, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, कि मुख्तसर मुद्दत भी मिले, मुश्किलात भी तारीखी हों, लेकिन आवाम के साथ खड़े हैं और आवाम के सामने सच रखा है। बंद दरवाज़ों में पेट्रोल की कीमत कम करके IMF के प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आवाम के सामने रख के क्या क्या शरायत हैं, मुश्किलात बताकर कि ये कह रहे हैं ये होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम आएगा और आवाम की हालत मुश्किल, फ़ैसले होंगे फौरी, मुश्किल रिलीफ मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर मस्बत और बेहतर पड़ेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो ज़िम्मेदारी पूरी की, और नेक नियती से की, मेहनत से की, दिन रात काम करके की। इसी तरह आपके जो मसाइल थे, जिस पर आपने जो बात की, जो सहाफ़ी बरादरी, आपको याद होगा 4 साल वज़ीर इत्तलात इसी कुर्सी के मनसब पर बैठ कर सहाफ़ियों को थप्पड़ मारते थे, याद है ना? वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ी को थप्पड़ मारा था, याद है कि नहीं? याद है कि वो पसलियाँ टूटी थी, नाक की हड्डियाँ टूटी थी, वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म को जो रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट है उसमें मीडिया प्रेडेटर कहा गया था। मैंने तो नहीं कहा था, हम तो कहते थे उस वक़्त भी कि ये फाशिस्ट है, ये पागल है, ये नालायक है, ये करप्ट है, ये चोर है, हम ये कहते थे। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी मोर लगाई उसके ऊपर, सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जर्नलिज़म की, उन्होंने भी मोर लगाई उस वक़्त। ह्यूमन राइट्स की जो स्टेटमेंट आई थी, आपको याद होगा साद रफ़ीक साहब का जब केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पेश हुई, वो भी मोर लगी कि ये सियासी इंतकाम ले रहा है और सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ ले रहा है। और क्या वजह है कि इतना प्रोपोगंडा किया, इतना प्रोपोगंडा किया 14 माह कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट हो गया, 7 दर्जे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बेहतरी की रिपोर्ट आती है, UN की ह्यूमन रिपोर्ट्स भी बेहतरी की तरफ रिपोर्ट आती है, फैटफ भी ग्रे लिस्ट से निकलता है,
और जो फिच की रिपोर्ट है इकोनॉमी की, वो भी बेहतर आती है। और ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, ये मुल्क नहीं लिखते या मरियम औरंगज़ेब या पार्टियां नहीं लिखती, ये पूरा डेटा आता है, परसेप्शन के ऊपर ये रिपोर्ट्स बनती हैं। एक तरफ जाली परसेप्शन, कितना झूठ बोल लोगे, आज किसी भी गैर मुल्की एंकर के सामने बैठते हैं अपनी बेइज्जती करा के उठते हैं, क्योंकि वो झूठ आप कितनी दफ़ा बेच लोगे, कितनी दफ़ा बोल लोगे, कितनों को कितनी दफ़ा बेवकूफ़ बना लोगे, आखिर उसका इख्तिताम होना है, उसको ख़त्म होना है। तो ये वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसी सफ़र को जहाँ छोड़ के जाएंगे, इलेक्शन में जीत कर वोट लेकर पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने, इसी सफ़र को दोबारा से जारी रखेंगे। राजक भट्टी साहब, देखें पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आपने कहा AJK के इलेक्शन और पाकिस्तान, इस तरह की मुझे तो कोई ख़बर नहीं है जहाँ से आपको आई है, कोई ऐसी रिपोर्ट ना गवर्नमेंट ने दी है ना किसी और ने दी है, लेकिन ये बात है कि मेरे पास ऐसी कोई ना ख़बर है ना कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात आपने की कि हम हर रोज़ अगर कोई चीज़ महंगी होती है, जैसे आपको बताया 14 माह में महंगी हुई, तो उसको डायरेक्ट रिलीफ कैसे आवाम को देना है, उन तबकात को देना है, उसका बंदोबस्त करते हैं। इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम की बहाली है, माशी इस्तेकाम आ रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड पर भी आएगा। हमने 3 साल IMF का प्रोग्राम चलाया था 2013 से लेकर 16 तक, चीज़ें महंगी होने नहीं दी थी, यही IMF था और इसी तरह का प्रोग्राम था, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें भी सस्ती होंगी, महंगाई भी कम होगी, दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, बिजली भी बनेगी, CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स जो थे वो दोबारा उसमें इजाफा होगा, फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो गई है। यही सफ़र है जो पाकिस्तान को भी चाहिए, और वो जो मैंने आपको 5-6 सेक्टर्स बताए हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो आम आवाम की रोज़गार भी बढ़ेगा, माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी और माशी इशारे भी बेहतर होंगे।